सुकेश चंद्रशेखर मामले में नोरा और जैकलिन के बाद और भी कई अभिनेत्रियों के नाम सामने आ रहे हैं। इनमें से एक तो बिग बॉस की कॉन्टेस्टेंट भी रह चुकी हैं और उसको भी सुकेश से कई महंगे महंगे तोहफे मिले हैं। जी हाँ, नोरा फतेही और जैकलिन फर्नांडिस लंबे समय से चर्चा में, और बताया जा रहा है कि तिहाड़ जेल में सुकेश से मिलने चार और अन्य एक्ट्रेस भी पहुंची थी, जिनको कि महंगे तोहफे दिए गए थे। इन चार एक्ट्रेस और मॉडलों में बिग बॉस में निकी तंबोली, चाहत खन्ना, सोफिया सिंह और अरुषा पाटिल के नाम शामिल हैं। तो ये चार और नए नाम जो है सामने आए हैं। बताया जा रहा है कि सुकेश की सहयोगी पिंकी ईरानी की मदद से ये चारों एक्ट्रेस तिहाड़ जेल में उनसे मिलने पहुंची थी और मुलाकात के दौरान इनको कई महंगे तोहफे दिए गए थे। पिंकी ने इन एक्ट्रेसेस को सुकेश से अलग अलग नाम से मिलवाया। कहा जा रहा है कि इस मुलाकात के बाद उन्हें कई महंगे तोहफे भी मिले थे। इन चारों में से अरुषा ने ये मुलाकात स्वीकार कर ली है। उसने स्वीकार किया है कि उन्होंने पिंकी के जरिए सुकेश से मुलाकात की थी। हालांकि उन्होंने इस बात से इनकार किया है कि अरुषा सुकेश से तिहाड़ जेल में मिली थी। ईडी ने अपनी चार्जशीट में इस घटना का जिक्र किया है, जिसमें बताया गया है कि अरुषा को ठग सुकेश की तरफ से उनके बैंक अकाउंट में कुछ पैसे भी भेजे गए थे। निक्की तंबोली को पिंकी ने बताया कि सुकेश का नाम शेखर है। इसे लेकर निक्की तंबोली ने जो बयान दिया है उसमें कहा गया है कि पिंकी ईरानी ने आरोपी सुकेश चंद्रशेखर को शेखर बताकर उनकी मुलाकात करवाई थी। पिंकी ने निक्की को बताया था कि सुकेश उनके फ्रेंड है और साउथ इंडियन प्रोड्यूसर भी है। निक्की तंबोली ने तिहाड़ जेल में मुलाकात की थी तो ईडी ने अपनी चार्जशीट में कहा है कि निक्की ने दो मौकों पर सुकेश से मुलाकात की। पहली मुलाकात अप्रैल 2018 में हुई। आरोपी पिंकी ईरानी को 10 लाख रुपए कैश मिले थे, जिसमें से उन्होंने 1.5 लाख रुपए निक्की तंबोली को दिए थे। दूसरी बार वह पहली मुलाकात के 2 या 3 वीक के बाद ही मिलने पहुंची। बताया गया कि इस बार वे अकेली उनसे मिलने पहुंची थी और उन्हें सुकेश ने 2 लाख रुपए कैश के साथ एक महंगा बैग भी गिफ्ट किया था। निक्की ने अपने बयान में ईडी को 15 दिसंबर 2021 को उसने रिकॉर्ड कराया था। उन्होंने ऑफिसर्स को बताया कि पिंकी ने उनसे साल 2018 में व्हाट्सएप के जरिए संपर्क किया था और बताया था कि फिल्म की कोऑर्डिनेटर और प्रोड्यूसर है। ईडी की चार्जशीट में से लेकर कुछ और बातें भी कही गई है। इस चार्जशीट में लिखा गया है कि पिंकी ईरानी ने बताया था कि उनके साउथ इंडियन प्रोड्यूसर फ्रेंड उनसे मुलाकात करना चाहते हैं और उनके साथ फिल्म बनाना चाहते हैं। उन्होंने ये बात अप्रैल 2018 में कही थी। पिंकी, जिन्हें एंजल के नाम से पुकारते थे, उसने निक्की को बताया था कि वो शेखर से दिल्ली मिलने जा रही है और उन्होंने दोनों की फ्लाइट टिकट मुंबई से बुक की थी और अगले दिन वे दिल्ली के लिए रवाना हो गई। तो अब ये बात सामने आ रही है कि निक्की तंबोली का भी बयान दर्ज किया गया था। शेखर ने निक्की को बैग दिया, 2 लाख रुपए कैश दिए गिफ्ट में। चाहत खन्ना को भी बताया था और चाहत को भी उसका नाम शेखर बताया था और बताया था कि वो साउथ इंडियन चैनल के मालिक है, तो चाहत को भी वो लेकर गई थी। तो इस तरीके से अब चाहत और निक्की, इन दोनों का नाम भी इस पूरे मामले में आया है और चार्जशीट में कई चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं।